तो दोस्तों आज किस नए वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि योनो एसबीआई ने बहुत ही बड़ा अपडेट दिया है। अपडेट ये है कि जैसे कि आप लोग रजिस्ट्रेशन करते थे उसमें जो है आपको सीआईएफ नंबर, अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ देके फिल करना पड़ता था और यहां पे आपको टेम्प्रोरी में यूजर नेम पासवर्ड मिलता था और यहाँ पर परमानेंट में आपको कन्वर्ट करना पड़ता था। यानी कि जो आपको टेम्प्रोरी में यूजर नेम पासवर्ड मिला है उसको आप चेंज करते हैं तब आप योनो एसबीआई में यहाँ पर लॉग इन कर पाते थे। लेकिन यहाँ पर अब कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है। अब यहाँ पर योनो एसबीआई का कहना है आपको यहां पे अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो नहीं आपको यूजर नेम नहीं आपको पासवर्ड चेंज करने की जरूरत है। जो आप एक बार बना लिए वही आपका यूजर नेम और पासवर्ड रह गया और यहां पे जो आपको शुरुआती समय में सीआईएफ नंबर देना पड़ता था रजिस्ट्रेशन के लिए अब वो यहां पे आपको नहीं देना पड़ेगा। अब यहां पे अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद एटीएम का कुछ डिटेल आपको यहां पे एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद यहां पे आप जो यूजर नेम और पासवर्ड बनाएंगे वो आपका परमानेंट ही रह जाएगा। तो यहां पे इस तरीके से नया प्रोसेस बताया गया है योनो एसबीआई में रजिस्ट्रेशन करने का। तो चलिए मैं आपको इसका कंप्लीट प्रोसेस बताता हूं किस तरीके से आप जो है नया प्रोसेस कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए योनो एसबीआई में। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल मिलने वाला है। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से योनो एसबीआई एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप ओपन कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे एग्जिट कस्टमर के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद रजिस्टर विथ माई एटीएम कार्ड पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने में नया पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के इंटर कर सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करना है। तो चलिए हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट ट्रांजेक्शन राइट, तो यहाँ पे फुल लेना चाहते हैं या व्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम फुल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको एटीएम कार्ड का लास्ट का 6 डिजिट यहाँ पे आपको इंटर करना है। उसके बाद नीचे में एक ऑप्शन है नेक्स्ट का, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो आपका एटीएम का पिन है वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे सेट इंटरनेट बैंकिंग डिटेल आपको करना पड़ेगा, जैसे आपको क्या यूजर नेम रखना होगा तो यहाँ पे आप इंटर कर देंगे वो यूजर नेम। उसके बाद क्या आपको पासवर्ड रखना है वो आप यहाँ पे जो भी पासवर्ड बनाना चाहते हैं लॉगिन करते समय वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद कन्फर्मेशन के लिए फिर से आप नीचे में एक बार फिर से वही पासवर्ड दे देंगे और यहाँ पर आप ध्यान रखें जो भी आप पासवर्ड बना रहे हैं 8 से 20 कैरेक्टर में होना चाहिए। कुछ आप उसमें डिजिट भी ऐड कर सकते हैं, कुछ स्मॉल लेटर भी ऐड कर सकते हैं, कुछ कैपिटल लेटर भी ऐड कर सकते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाया गया है, कुछ न्यूमेरिकल भी आप यहां पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप यहां पे कंफर्म बटन पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद सक्सेसफुल आपका योनो में अकाउंट बन जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं यू हैव सक्सेसफुल एक्टिवेटेड योर अकाउंट ऑन योनो। तो यहां पे आपको सेट एम पिन पे क्लिक कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे यहां पे रीड करने के बाद यहां पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है एम पिन जो अभी सेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर कुछ प्रोसेस ले रहा है नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद। उसके बाद यहाँ पर बहुत ही ईजी तरीके से आप जो एम पिन को यहां पे सेट कर सकते हैं। तो चलिए जो भी आप एम पिन 6 डिजिट का रखना चाहते हैं वो आप ऊपर में दे देंगे। उसके बाद कंफर्मेशन के लिए नीचे में वही आपको एम पिन देना पड़ेगा जो कि आप याद रख सकते हैं। इसके बाद आप यहां पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम यहां पे क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने के बाद यहां पे आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, 1 टाइम पासवर्ड, तो यहां पे आपको इंटर कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर इंटर कर देते हैं। तो इंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुल रजिस्टर, तो ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका सफलतापूर्वक अकाउंट बन जाएगा। आप यहाँ पे एम पिन की सहायता से लॉगिन भी कर सकते हैं या यूजर नेम और पासवर्ड डाल के भी आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम योनो एसबीआई को ओपन कर लेते हैं, लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हम जो है जो भी एम पिन बनाए हैं वहीं से हम यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। तो चलिए यूजर नेम और पासवर्ड डाल के भी आप लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन जब आप एम पिन बनाए हैं तो एम पिन से ही आप लॉगिन कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका योनो का डैशबोर्ड खुल जाएगा, जो भी आपको बैलेंस चेक करना है तो बैलेंस चेक कर सकते हैं, स्टेटमेंट निकालना है। तो आप इसी तरीके से योनो एसबीआई में नया तरीके से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दिया है कि किस तरीके से नया प्रोसेस में
जैसे योनो एसबीआई में रजिस्ट्रेशन करना है बिल्कुल ही न्यू प्रोसेस के साथ, एक 5 मिनट के अंदर ही आपका यहां पे योनो एसबीआई में अकाउंट बन जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को ये जानकारी पहुंच पाए। एक मेरा न्यू चैनल है उसे भी आप यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आ रहा होगा आइकन, यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें बता सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी को नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।